सो लेट्साइम कोर्सेस था यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स डॉट जी एस राइट एंड इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट निकलना है मैंने कहा मैक एंड देन डेल ओके लाइक दिस मैंने कोई एप डॉट गेट करके कोई रिक्वेस्ट मैप किया क्या नहीं किया बट ये काम करेगा क्योंकि मैंने फाइल बेस्ड राउटिंग की हुई है एंड देन प्रोडक्ट्स एंड सी ये प्रोडक्ट आ गए hey, everyone. Uh, इस वीडियो में मैं कुछ ट्राई करने वाला हूँ क्या ट्राई करने वाले हैं कि हम क्या एक्सप्रेस जी यूज़ कर रहे हैं और एक्सप्रेस जी को यूज़ करते टाइम क्या हम फाइल बेस्ड राउटिंग कर सकते हैं फाइल बेस्ड राउटिंग मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे कोई मुझे फाइल मुझे स्लैश ए स्लैश स्टूडेंट्स नाम का एक यू क्रिएट करना है तो मैं उसको लिखू ना जस्ट फाइल क्रिएट करूँ और मेरा जो एक्सप्रेस जी है उसको वो हैंडल कर ले हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी पैकेजेस अवेलेबल होंगे लेकिन अगर मुझे खुद का क्रिएट करना तो मैं क्या कर सकता हूँ मुझे फाइल रीडिंग आती है मुझे फाइल्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना आता है देन क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ तो लेट्स ट्राई क्या कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता क्या हो सकता है कि नहीं पर मैं ट्राई करना चाहता हूँ मैं अपना थोड़ा बहुत नॉलेज नोट वो यूज करके फाइल्स को रीड करना और राइट करना ये सब चीजें करके मैं उसको ट्राई करूंगा सो लेट्स क्रिएट एन एग्जाम्पल हियर जहाँ पे मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक फोल्डर एक पहले पैकेज को इनिशिएट करते हैं एन पी एम एन हाई फन हाई फन यस ओके देन एक्सप्रेस जो इंस्टॉल करते हैं एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस ओके सो एन इंस्टॉल एक्सप्रेस हो गया नाउ यहां एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एसारी नाम का और इस के अंदर सारा कोड रखेंगे इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं पेजेस नाम का या फिर एंड पॉइंट्स एंड पॉइंट्स नाम का एक फाइल मैंने यहां पे फोल्डर क्रिएट किया एंड पॉइंट्स के अंदर सारे एंड पॉइंट्स रखेंगे हम एंड देन एस एस आर सी के अंदर मैं एक फाइल uh, क्रिएट कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट जी एस ओके इंडेक्स डॉट जी एस नक्सप्रेस सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस एंड देन एक्सप्रेस का एक ऐप क्रिएट करेंगे लाइक कॉन्स्ट एप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस ओके एंड देन ऐप डॉट लेसन ऑन थ्री थाउजेंड पोर्ट एंड डॉट लॉग एप इज रनिंग ओके नोड मॉन की रन करते हैं नोड मॉन नोड मॉन एस आर सी स्लैश इंडेक्स डॉट जे एस सो एप इज रनिंग आया एंड देस चलते हैं लोकल थ्री थाउजेंड कैन नॉट गेट स्लैश ओके तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता वॉट आई वॉन्ट की मैं कुछ भी यहां पर ना करूं बस मैं एंड पॉइंट के अंदर जाके इंडेक्स डॉट जे एस क्रिएट करूंगा इसके अंदर मैं एक्सपोर्ट करूंगा एक फंक्शन एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट हैंडलर लाइक दिस लाइक दिस एंड इसको मैं दे दूंगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स और यहां पर मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग गेट रिक्वेस्ट ओके एंड देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड ओके बस मुझे इतना करना है अगर इसमें इसी यू आर एल पे मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करनी है तो मैं यहाँ पे कहूँगा गेट देन कॉन्स्ट पोस्ट तो इस तरह से मैं ये मेरा जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करेगा तो क्या मैं ये कर सकता हूँ तो ये मुझे ट्राई करना तो मैंने एंड पॉइंट के अंदर इंडेक्स और जे क्रिएट कर लिया है अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कोड लिखूंगा कि मैं उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करूँगा बस फाइल को रीड करके जो भी उसका इंडेक्स पाथ है अगर तो उसको मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ तो एंड पॉइंट्स के अंदर तो बेसिक सा कुछ काम करते हैं फाइल सिस्टम का यूज करते हैं कॉन्स्ट एफ एस इज इक्वल टू रिक्वायर एफ एस रिक्वायर एफ एस नाउ एफ एस से हम कहेंगे कि मुझे डायरेक्टरी रीड करना है जो कि एंड पॉइंट्स सो एफ एन डॉट रीड डायरेक्टरी रीड डायरेक्टरी सिंक्रोनस और असिंक्रोनस हो सकता है तो रीड डायरेक्टरी सिंक एफ एस स्लैश प्रोमिस यूज कर लेते हैं यहाँ पे एफ एस स्लैश प्रोमिस रीड डायरेक्टरी रीड डायरेक्ट्री ओके okay, रीडायरेक्टरी देना है पाथ पाथ क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमने कहा पाथ और यहाँ से मुझे पाथ मिल जाएगा कौन से पाथ में मुझे यूज़ करना है तो मैंने कहा पाथ डॉट ज्वाइन करना है मुझे अंडर स्कोर अंडर स्कोर डायरेक्ट्री नेम मतलब कि मैं आ गया हूँ एस आर सी के अंदर और कॉमा जो मेरे फाइल का नाम है फोल्डर का नाम है वो एंड पॉइंट्स एंड पॉइंट्स फोल्डर के अंदर सारे पाथ रखे हुए डॉट देन डॉट देन एंड देन मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा या फिर मुझे सारे पाथ्स मिलेंगे इस तरह से एंड देन कंसोल डॉट लॉग पाथ्स तो यहाँ पे क्या आया इंडेक्स डॉट जी एस तो अगर इंडेक्स डॉट जी एस आया है मतलब कि मुझे उसे मुझे स्लैश वाले पाथ पे रजिस्टर करना है और ऐप मेरे पास है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पाथ पे हम इटरेट कर सकते हैं पाथ्स डॉट फॉर ईच हर एक पाथ पे मुझे इटरेट करना है और यहाँ पे मुझे एक एक पाथ मिलेगा लाइक दिस एंड देन कंसोल डॉट लॉग पाथ दिस like क्या है इंडेक्स डॉट जी एस तो अगर इंडेक्स डॉट जी एस मतलब कि वो फर्स्ट एंड पॉइंट है जिसको डायरेक्टली मुझे रजिस्टर करना है ऐप के साथ इज इक्वल्स टूल इंडेक्स डॉट जे एस अगर ये इंडेक्स डॉट जे एस है तो उसको मुझे डायरेक्टली अप्लाई करना मतलब कि ऐप डॉट गैट मुझे यूज करना है ना मुझे गैट करना की पोस्ट मुझे कैसे पता चलेगा तो पहले इंडेक्स जो जे एस फाइल है मेरा उस फाइल को हम रिक्वायर करेंगे लोड करेंगे लेट्स लोड इट कॉन्स्ट कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू या फिर हम कहेंगे यहाँ पे हैंडलर्स इज इक्वल टू रिक्वायर रिक्वायर क्या रिक्वायर करना है मुझे तो इस इंडेक्स फाइल को रिक्वायर करना है तो मैंने कहा पाथ एंड देन सी क्या मुझे यहाँ पे मिलता है सो कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग हैंडलर को प्रिंट करते हैं तो इसके अंदर से मुझे क्या मिला आ, uh, एक एरर जनरेट हुआ है कैन नॉट फाइंड पाथ इंडेक्स डॉट जे एस क्योंकि वो करंट पाथ के अंदर है तो मैं यहाँ पे पाथ डॉट ज्वाइन कर सकता हूँ क्या यस सो कॉपी करते हैं इसको एंड सी ये वर्क करता है कि नहीं तो so, पाथ मुझे ज्वाइन करना करेंट डायरेक्टरी प्लस एंड पॉइंट प्लस ये फाइल का नाम सो so, यहाँ पे हमने पास किया पाथ तो पाथ क्रिएट हो जाएगा वहां से मुझे इसको लोड करना है फाइल को तो so, यहाँ पे आया कि कैन रिक्वायर पाथ जॉइन इज नॉट अ फंक्शन पाथ डॉट ज्वाइन इज नॉट अ फंक्शन ओके okay, क्योंकि ये पाथ वा, वाला पाथ है एंड देन इसको मैं कह देता हूं फाइल नेम फाइल नेम फाइल नेम एंड देन अगर फाइल नेम मेरा इंडेक्स डॉट जी है तो पाथ डॉट ज्वाइन करना है इस पर्टिकुलर फाइल नेम पे एंड देन हैंडलर्स आने चाहिए मेरे पास सो so, नहीं आया यहाँ पे आया कैन एक्सपोर्ट टोकन एक्सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिक्कत कर रहा है ओके एक्सपोर्ट नहीं होता यहाँ पे सो मॉड्यूल डॉट डॉट गेट तो गेट को एक्सपोर्ट किया यहाँ पे भी सेम चीज मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट पोस्ट ओके नाउ फाइल को सेव किया तो मेरे पास दो फंक्शन आ गए गेट एंड पोस्ट औसम यही मुझे चाहिए था ना मुझे क्या करना है जो हैंडलर्स आ गए हैं तो हैंडलर्स का गेट एंड पोस्ट चाहिए मुझे कॉन्स्ट इसमें से मुझे गेट एंड पोस्ट चाहिए कहाँ से जो मेरे हैंडलर्स आए हुए हैं उसमें से कॉन्स्ट हैंडलर्स ना मुझे क्या करना है अगर गेट है तो गेट को रजिस्टर करना है ओके सो एप डॉट गैट अब क्योंकि गेट और पोस्ट मुझे पता है कि ये गेट एंड पोस्ट है यहाँ पे एंड गेट का जो की है वो गेट और पोस्ट ऑसम तो यहाँ पे मैं सकता हूँ गेट एप एंड देन यहाँ पे मुझे पास करना है गेट तो वट आई कैन डू कि अगर मुझे ऐप का गेट फंक्शन पे रजिस्टर करना है डॉट गेट फंक्शन एक्सेस करना वट आई एम शेग कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग मुझे चाहिए ऐप के अंदर से गेट फंक्शन तो मुझे कैसे मिलता है मिलेगा एप डॉट डू कि मुझे यहाँ पे चाहिए is get. Uh, नहीं इसको मैनुअली करते हैं फिलहाल सो एप डॉट गैट किया एप डॉट गैट पे मुझे स्लैश पे रजिस्टर करना किया ये गेट फंक्शन जो मुझे मिला है एंड सेम चीज मुझे करना है ये पोस्ट के लिए लाइक दिस ओके तो ये दोनों इसके आ, ये वाला हो जाएगा पोस्ट के लिए तो मैं क्या ज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने फाइल को रीड किया इसका जो गेट फंक्शन था वो मैंने इस गेट के साथ अटैच कर दिया तो सही है ये मैंने रजिस्टर कर दिया नाउ इट शुड वर्क राइट तो इतना तान करने से अच्छा मैं रिक्वायर करके डायरेक्ट ऐड कर लेता है ना वो ठीक है लेकिन अभी मैं और फाइल अगर खुद से क्रिएट करूंगा और भी फाइल्स तो वो अपने आप जाके यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगी वो हम देखेंगे ठीक है तो बार बार वो मुझे नहीं करना पड़ता है जस्ट में ट्राई कर रहा हूँ क्या हम कर सकते हैं जस्ट ठीक है तो लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं फिलहाल पेज को रिलोड किया हेलो वर्ल्ड आ गया ऑसम ठीक है तो वो मतलब कि रजिस्टर हो गया है ना इधर है इंडेक्स डॉट जी एस की बात अगर इंडेक्स डॉट जी एस था इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली अप्लाई किया है तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखता हूँ तो ये क्या काम करेगा स्लैश के बाद स्लैश इंडेक्स तो कैन नॉट गेट इंडेक्स राइट क्योंकि वो इंडेक्स ऐसे ही काम करता है बट आई विल डू कि मैं कुछ फाइल यहाँ पर क्रिएट करूंगा जैसे कि एंड पॉइंट के अंदर मैंने क्रिएट किया स्टूडेंट्स डॉट एस इस्टूडेंट्स डॉट जी एस एंड ये जो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं स्टूडेंट्स के अंदर से ये गेट एंड पोस्ट के अंदर ही बनाया एंड देन यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्टूडेंट्स ठीक है एंड देन सेम चीज़ यहाँ पे भी तो जैसे मैंने फाइल बनाया ये काम करना चाहिए लेकिन यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया है इसके लिए फाइल के लिए तो अगर ये इंडेक्स डॉट जी एस नहीं है तो उस केस में मुझे क्या करना है इंडेक्स डॉट जी एस नहीं तो स्टूडेंट डॉट जी एस के लिए हमें कंडीशन नहीं लगानी है हमें हाँ क्या करना जो फाइल नेम है मेरा वो जो मेरा फाइल नेम है वट आई विल डू कि जो मेरा फाइल नेम है उस फाइल नेम के लिए यहाँ पे एक पाथ जनरेट हो जाएगा एंड उस पाथ को मैंने लोड किया बट मुझे इसको कौन से पाथ पे रजिस्टर करना गारंट पोस्ट अगर स्टूडेंट डॉट जे एस है तो मुझे डॉट से सेपरेट करके स्टूडेंट्स पे उसको रजिस्टर करना है तो मेरा जो यू आर एल होगा वो क्या हो जाएगा कॉन्स्ट यू आर एल विल बी फाइल नेम डॉट स्प्लिट स्प्लिटेड विद द डॉट एंड उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मुझे रीड करना है and that console.log url तो so, मेरा url क्या बन जाएगा students सही है नाउ एक फाइल और ऐड करता हूँ मैं. इसको कॉपी मैंने कॉपी पेस्ट किया और देन यहाँ पे लिखा मैंने users तो जस्ट फाइल रिलोड हुआ यहाँ पे आया /users awesome तो अभी मुझे क्या करना है कि जो url है यही जो मेरा url ये होने वाला है slash /url तो so, यहाँ पे हम क्या करेंगे अ लाइक दिस एंड देन यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस यूर को और यहाँ पे ऐड करेंगे हम एक स्लैश ऑसम एंड देन अगेन यहाँ पे हमने ऐड किया स्लैश और यहाँ पे हमने ऐड किया URL. तो वो जो फाइल नेम है वो नेम यहाँ पे रजिस्टर हो गया गेट एंड पोस्ट जो फंक्शन आपने एक्सपोर्ट किया था उससे ठीक है एंड देन इसको हम यहाँ से कर देते हैं रिटर्न क्योंकि अगर वो इंडेक्स है तो हमको स्लैश पे ऐड करना था ऑसम awesome. वापस चलते हैं इसको ट्राई करते हैं एंड जस्ट सी स्लैश स्टूडेंट्स मैसेज आ गया एंड देन स्लैश यूजर्स मैसेज आ गया ऑसम awesome. अब मुझे कुछ भी नहीं करना है इंडेक्स जो फाइल को मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ मैं जस्ट एक नया फाइल बनाऊंगा यूजर्स डॉट जी को मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहां पे मैंने लिखा यूजर्स डॉट जी की जगह पे हमने लिखा टू टूडूज डॉट जी और यहां पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं मैसेज तो यहां पे मैं जस्ट यू आर दिखा देता हूँ यू इज इक्वे टू रिक्वेस्ट डॉट यू राइट एंड देन पे भी हम कर देते हैं आ, सेम चीज एंड देन मेथड दिखा देते हैं। कौन सा मेथड है सो मेथड मेथड इज टू रिक्वेस्ट डॉट डॉट पोस्ट एंड देन इसको कॉपी किया पेस्ट करते हैं यहाँ पे ये आ गया ठीक है तो मैंने टू टूडूस डॉट जे एस बनाया मैंने कोई यू आर एल रजिस्टर यहाँ पे नहीं किए हैं इंडेक्स डॉट जे एस में सी इंडेक्स डॉट जे एस में मैंने इसके अलावा कुछ और भी नहीं किया तो मैं इंडेक्स डॉट जीएस को टच भी नहीं करूंगा और यू आर एल जो है अपने आप मेरे ऐप के साथ रजिस्टर होते जाएंगे क्योंकि मैंने कुछ फाइल रीडिंग का कोड लिखा हुआ है एंड नाउ सी वापस चलते हैं स्लैश टू डूज सॉरी स्लैश टू टू तो आया नाउ एक और क्रिएट करते हैं एंड पॉइंट्स के अंदर एक और नया फाइल क्रिएट करता हूं मैं मैंने कहा कोर्सेज डॉट जे एस एंड कोर्सेज डॉट जे एस के अंदर सेम गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं वापस चलते हैं एंड देन यहाँ पे हमने कहा स्लैश कोर्सेज uh, URL /courses. तो हमने हमने पे कर दी, थोड़ा सा हमने फाइल्स को करके, मैंने ये लिखा और मेरा जो फाइल है वो यहां पे होने लगी, मुझे करने, पोस्ट मैंने किया और और पोस्ट को हैंडल करने के लिए हमारा जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल तैयार तो है सही है ना awesome. अगर okay, मैं कोर्सेज में जाता हूँ स्टूडेंट्स में टू डूज में यूजर्स को और इन सबको अगर मैं आ, लाइक दिस एंड हमने उसको डिलीट किया जस्ट मेरे पास इंडेक्स डॉट जे एस है अब तो अभी ये यू आर एल काम नहीं करेगा राइट ना यू आर एल एड करते हैं इसके अंदर हमने कहा कोर्सेज डॉट जे एस और कोर्सेज के अंदर हमको कोड लिखना है जो कि है लाइक एक्सपोर्ट्स डॉट गेट रिक्वेस्ट मुझे हैंडल करना है जिसको मिलेंगे रिक्वेस्ट पैरामीटर एंड देन रिस्पॉन्स पैरामीटर लाइक दिस एंड देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिस्पॉन्स डॉट जेसन कोर्सेस

ओके okay, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट हाँ ओके हमने यहाँ पे गेट तो हैंडल कर लिया पोस्ट हैंडल नहीं किया तो वो हमको एरर दे रहा उसको हम हैंडल कर सकते थे हमने यहाँ पे लिख दिया पोस्ट तो हमने पोस्ट भी रिक्वायर किया गेट भी तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडेक्स डॉट जी में हमने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भी हैंडल किया अगर पोस्ट नहीं है तो उसको मुझे रजिस्टर नहीं करना है ये हम कैसे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम पोस्ट अगर यहाँ पे है तो ही मुझे इसे रजिस्टर करना है और अगर गेट है तो ही मुझे इसे रजिस्टर करना है अदरवाइज मुझे नहीं करना है तो इस दी कंडीशन तो अगर मैं पोस्ट को रिमूव कर दूं तो भी अभी ये चल रहा है गेट को भी रिमूव कर दिया तो भी ये चलेगा बट अभी कोर्सेज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं हम ना ये वाला फंक्शन को अनकोमेंट किया वो रजिस्टर हो गया होगा फाइल रीडिंग के थ्रू एंड देन हमारा रिस्पॉन्स आ गया तो मैंने एक जस्ट यहाँ पे एक प्रोटोटाइप बनाया कि कैसे मैं फाइल बेस्ड राउटिंग कर सकता हूँ है ना तो जस्ट छोटा सा लॉजिक लगाया फाइल को रीड किया गेट एंड पोस्ट को एक्सपोर्ट किया एंड यहाँ पे उसको रजिस्टर कर दिया प्रॉपर यूआरएल के साथ तो उसको थोड़ा और हम और अच्छे से उसको कोड करके थोड़ा परफेक्ट बना सकते हैं कि ये कस्टम जो ए पी आई स्लैश यू आर एल अगर करना तो जो आपका जो आपका फोल्डर नेम है वो आपका पेरेंट यू आर एल बन जाए जैसे कि ए पी आई नाम का एक फोल्डर बनाया है उसके अंदर अगर आपने कोर्सेज और इंडेक्स जी एस रखा है तो आपका जो यू आर एल होगा वो होगा ए पी आई स्लैश कोर्सेज इस तो तरह से फोल्डर बेस्ड राउटिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं जस्ट मैंने एक जस्ट मैंने ऐसा मुझे दिमाग में चल रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ अगर मैं खुद का लॉजिक लगाऊ तो यस हम ये कर सकते हैं तो इनिशियली मैंने फाइल को लोड किया रजिस्टर कर दिया एंड इट इज वर्किंग परफेक्ट एंड अगर मुझे इसको बनाना कोर्सेज स्लैश स्लेश सो क्या मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ एपीआई स्लैश कोर्सेज में एपीआई स्लैश कोर्सेज डॉट जीएस बट आई कैन नॉट डू क्योंकि स्लैश ऐड करता हूँ वहाँ पे तो एपीआई नाम का एक फोल्डर बन जाता है राइट तो अभी फिलहाल तो मैं नहीं कर सकता बट मैं अपना लॉजिक ऐड कर सकता हूँ जो फोल्डर्स क्रिएट हो रहे हैं उसको भी हमको हैंडल करना है लाइक like, राइट right? तो इस तरह से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सो लेट्स मोर टाइम कोर्सेस था यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको um, आ, इसको मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स डॉट जीएस राइट एंड इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट निकलना है मैंने कहा मैक प्रो एंड देन डेल ओके लाइक दिस मैंने कोई ऐप डॉट गेट करके कोई रिक्वेस्ट मैप किया क्या नहीं किया बट ये काम करेगा क्योंकि मैंने फाइल बेस्ड राउटिंग की हुई है एंड देन प्रोडक्ट्स एंड सी ये प्रोडक्ट आ गए सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड आर ओन लॉजिक जस्ट यूजिंग फाइल रीडिंग एंड ये मुझे नहीं पता कि ये लॉजिक सही है या फिर नहीं मतलब ये कितना परफेक्ट है इसे परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी अभी मैं कोई केयर नहीं कर रहा हूँ बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ यस वी कैन डू है ना हम अपना लॉजिक लगा के हम कुछ कुछ कर सकते हैं दिस इज कोड काटा कि हम कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को ट्राई कर रहे हैं चीजों को सीख रहे हैं दिस इज एक्टली मीडि मीनिंग ऑफ कोड काटा जो इस सीरीज का नाम है कोड काटा जहाँ पे हम नई नई चीजें ट्राई करते हैं सीखते हैं क्या ये पॉसिबल है यस yes. तो कोई दूसरा प्रोडक्ट जो ये कर रहा है उसको हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ओके okay? ये नेक्स्ट डेज का एक फीचर है जिसको हमने जस्ट एक ट्राई किया क्या ये हो सकता है तो ऐसे हम उसको कर सकते हैं ओके सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें अपने कॉमेंट्स दें अपना रिव्यू दें आप कुछ एनहांस करते हैं इस फीचर में तो वो भी मुझे बताएं एंड सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़